बड़ी मम्मा के आशीर्वाद से उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे आज एकत्रित हुए हैं। ये बड़ों का आशीर्वाद है और जितने भी बड़े हैं, कुमारदा हैं, दीदियाँ हैं, सबका आशीर्वाद है, सब बच्चों के, खासकर बड़ी मम्मा का और सुबीर सिया का, खासकर जिन्होंने इतनी अच्छी जगह दी हम लोगों को, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। हम आते हैं, एंजॉय करते हैं। आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है जिसमें हम बच्चे जो हैं अपना अपना कोई परफॉर्मेंस देंगे, छोटे से शुरू करेंगे और उस अनुसार जिसका जो मन करता है, घर का माहौल है, अपनी तरफ से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं उत्कर्ष मेहता को बुलाता हूँ। उत्कर्ष मेहता आए और पढ़ा चश्मा जाए तो धूप में बारिश हो, फूल के लिए जाए तो तेरी फरमाइश हो, निचले में निचले में निचले में निचले में निचले में निचले में निचले में। तू चाहे तो सितारे तेरे ही गीत गाए, तू चाहे तो सितारे तेरे ही फोटो खींच रहे हो, रुको। जितने भी आसमान है तेरे आगे से झुकाई, आज निचले में निचले में निचले में निचले में निचले में निचले में निचले में। अनाउंसमेंट वही बोल रहे थे। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, खाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते जो भी हो कल फिर आएगा। खोके अपने बली तो उसने था उड़ना सीखा, खोके अपने बली तो हो, खोके अपने बली तो उसने था उड़ना सीखा। दर्द को अपने साथ मिल ले, दर्द भी तेरे का आएगा, अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते जो भी वो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते जो भी वो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, खाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते जो भी हो कल फिर आएगा। कितना मुश्किल ये
जो गन्ना जी के जो चंगा चमके चम चम जी के जो गन्ना जो चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह का खड़के जोर, चंदा चमके चम चम चीके चौकन्ना जोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को, चंदा चमके चम चम चीके चौकन्ना जोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, चंगा चमके चम चम चीके चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को, चंगा चमके चम चम चीके चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। मैं एक जोक बोलने वाला हूँ। टीचर बोलती है डिस्क्राइब द टू पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। स्टूडेंट बोलता है द टू द लेफ्ट ब्रेन द इन द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन हैज नथिंग लेफ्ट इन द राइट ब्रेन। टीचर बोलती है डिस्क्राइब द टू पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। स्टूडेंट बोलता है देयर इज नथिंग लेफ्ट इन माय राइट ब्रेन एंड देयर इज नथिंग राइट इन माय लेफ्ट ब्रेन। सेट दिखा रहा हूँ। एक डायरेक्टर है एंड देर आर फोर थ्री एक्टर्स। आई विल प्ले द रोल ऑफ ऑल फोर पीपल। द डायरेक्टर इज टेलिंग द थ्री एक्टर्स, वन इज अ सन, वन इज अ फादर, वन इज अ डॉक्टर। द डॉक्टर इज हर्ड ऑन द फोन, ही डजंट कम ऑन द स्टेज। नाउ द डायरेक्टर सेज देर आर ओनली थ्री डायलॉग्स। बेटा सेज टू द पापा, पापा मेरा पेट दर्द हो रहा है। पापा सेज टू डॉक्टर, डॉक्टर मेरा बेटे का पेट दर्द हो रहा है, घुमाओ। डॉक्टर सेज पेट दर्द हो रहा है, रुको मैं आ रहा हूँ। वेरी सिंपल, वेरी इजी, इजी। नाउ डायरेक्टर सेज देखो पेट दर्द हो रहा है, इट्स नॉट सो फनी, सो थोड़ा इमोशंस लाओ, ब्रिंग अ लिटिल फीलिंग इनटू इट। एक्टर्स ओके फीलिंग, नो प्रॉब्लम। बेटा पेट दर्द हो रहा है पापा, द फादर थोड़ा लाइक करो, थोड़ा हंसी लाओ, थोड़ा कॉमेडी, कॉमेडी नो प्रॉब्लम, कॉमेडी करो बेटा। अरे पापा पेट दर्द है, पेट। पापा बोलता है पेट डॉक्टर पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द, डॉक्टर पेट दर्द, मार दो मार दो पेट दर्द, मार दो। डायरेक्टर कट, व्हाट इज दिस, ये कितना नहीं। अब देखो तुमने तीन फीलिंग्स दिखाए ना, उसको मिक्स करो, मिक्स करके एक अच्छा बनाओ। अच्छा ठीक है, अच्छा बेटा।
पापा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द। और बोलते हैं पेट दर्द हो रहा है, ठीक है डॉक्टर फोन कर रहा हूँ, डॉक्टर पेट दर्द हो रहा है प्लीज़ आ जाओ। डॉक्टर बोलता है ठीक है पेट दर्द हो रहा है आ रहा हूँ। अब ठीक है डैडी बोला ठीक है, कैमरा मैन ठीक है, कैमरा मैन सॉरी कैमरा ऑन नहीं था। आदत के अनुसार मैं अभी जोक ही बोलूंगा। अच्छा एक सरदार था, तो उसका दोस्त भागते भागते आया, तो वो आके बोला कि अरे अरे सुनो तुम्हारी बेटी मर गई। तो सरदार बहुत डर गया, वो एकदम कूद पड़ा, वो सेवेंथ फ्लोर पे था वो कूद पड़ा। अब फिफ्थ फ्लोर पे जब वो आ रहा था गिरते गिरते, तो उसको लगा यार मेरी बेटी ठीक है। थर्ड फ्लोर पर शादी कब हुई मेरी, लास्ट में नीचे आया तो वो मेरा दोस्त था क्या। एक बार एक सरदार वो टेंथ फ्लोर पर रहता था, तो उसका दोस्त नीचे से चिल्ला रहा था, तो वो बैल्कनी में ऐसे खड़े होकर नजारा देख रहा है, नीचे से उसे ओए बंटा चिल्ला रहा है, तो वो तो ऐसे देख रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। अब नीचे उस सरदार के पास एक आदमी आया और उसको एक दूरबीन दिया, बोला इससे देखो, तो उसने ऐसे देखा एकदम पास आ गया, उसने बंटा कैसा है। एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस का जोक है। हाँ मैं अपनी मम्मी को एक जोक बता रहा था, वो जोक में क्या था, एक क्वेश्चन था और उसका एक आंसर था। क्वेश्चन पूछा और आंसर मैंने मम्मी से पूछा कैसे पूछते हैं, और यूजली क्या होता है बोलते हैं कि नहीं मालूम बताओ, फिर हम लोग बोलते हैं और वो लोग हंसते हैं, लेकिन मम्मी ने एक आंसर दिया जो कि एक और बेटर जोक बन गया। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक सरदार के घर में आग लगती है, तो अब सरदार को पैसे बचाने हैं तो वो क्या करेगा, तो आंसर एक्चुअली है कि वो फायर ब्रिगेड को मिस कॉल मारेगा। तो मम्मी को मैंने पूछा, तो मम्मी ने कहा कि उसने लाइट ऑफ कर देनी है, तो मैंने लाइट ऑफ क्यों करेगा, तो मैंने कहा लाइट क्यों ऑफ करेगा, तो मम्मी ने कहा कि वो लाइट ऑफ करेगा आग से लाइट आएगी तो वो ही से उसी से काम चला लेगा तो पैसे बच जाएगा।
मैं गीता से एक अध्याय पढ़ के सुनाऊंगी और भैया भी मेरे साथ करेगा। मैं सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट एक मिनट इस टूल को इधर लाना। मैं ये है 15th अध्याय है, इसका नाम है पुरुषोत्तम जोक। इसमें भगवान बोलते हैं कि पुरुषकार सबसे उत्तम होते हैं, मतलब कर्म ही सबसे उत्तम होता है, बाकी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता स्लो, कितना ही समझ आता है। श्री भगवान बाज ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरभयम् छन्दांसि यशपर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित् अधश्चोर्धम् प्रसितास्तस्य शाखा ऋणप्रवृद्धा विषयकवाला अधश्च मूलानि अनुशन्दतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके दौर्पमस्येह तथोपलभते नन्तो न चादेन न तुषङ्गतिष्ठा अस्वत्थमेनं शुभिरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण द्विधेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्ययं यश्मिन् तथा न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणि निर्माणमोहायुतशङ्गदोष अध्यात्मनित्वा विनिवृत्तकामा दन्तैः विमुक्ता शुकदुःखशङ्गैः गच्छन्तु मूला पदमापयन्त नातर्भाषयते सूर्य न शशाक यद्गत्वारा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो इवो लोके इवो भूतशनातने मम षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्च पुत्रावतीश्वर विहित्वेतानि संयाति वायुगन्धानि वाषयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च दशनं प्राणमेव च अधिश्चाय मनश्चायं विषयाणि उपशीर्णते उत्प्लावन्तं स्थितं वापि ज्ञानानुगमीतम् मूलानानि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो यज्ञनिश्चयिनं यक्षन्तात्मन्नवस्थितं यतन्तो पकृतमानयैनं पश्यन् चेतश यदावित्यगतं तेज जगतभाषयते कीलं यच्चन्द्रमुषि यच्चाग्नौ तत्तेजौ विद्धिमामकं तमाविश्य च पूतानि भार्यमहमोदशा उष्णामि चौषधि सर्वाशोभो पुत्रशात्मकम् अहं विश्वानलो पुष्पा प्राणीनां गृहमाश्रित प्राणापानसमायुक्त पचमन्नं चतुर्विधं वेत्मस्य